कंपनी है। जो साथ है वीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉर्डर के लोगों के मसले हल करो, हल करो, हल करो। बॉर्डर के लोगों के मसले हल कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बॉर्डर के लोगों के मसले हल कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। कोई लोगों को एंगर था, उन्होंने उस पर डेमोक्रेसी के तरीके से फैसला लिया। वी आर आउट ऑफ पावर, दे आर इन पावर, महबूबा भी और मोदी भी। आज उनकी अकाउंटेबिलिटी है, आज वो सरकार में है। आज उनके सरकार के होते हुए बॉर्डरों पर भी लोग मारे जा रहे हैं, वैली के अंदर भी जो नुकसान हो रहा है उसका जवाब भी महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी को देना है। सर, रिसेंटली अभी शुपिया में एक इंसिडेंट वाकया पेश आया जिसमें दो मारे गए, क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, बदकिस्मती है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। रात को कहते हैं, रात को एक बात कहते हैं, सुबह दूसरी बात कहते हैं। तो जब इनकी कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है, इस तरह के नुकसान तो होते आ रहे हैं। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं, ये कश्मीर की बात हो, बॉर्डर्स की बात हो, ये इनके हाथ से सिचुएशन डिकंट्रोल्ड है। हफ्ता 10 दिन पहले जो ज़ोरदार गोलाबारी हमारे बॉर्डरों के ऊपर, जो सिविलियंस का नुकसान हुआ, फौजियों का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, शायद इस तरह का नुकसान पिछले 30 सालों से कभी नहीं हुआ था। तो इसका जायज़ा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जगह जगह गई, मरकजी क़यादत भी इसमें इन्वॉल्व हुई, और हमने लोगों को ये वादा किया था कि आपके जो ये समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी डिमांड्स है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूस एक आंदोलन चलाएगा। हम असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी आपके इन जायज़ डिमांड्स को मरकजी सरकार और रियासती सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।